वेलकम टू एडोजोस एडोजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आने वाली जो भी प्रतियोगिता परीक्षा है जैसे कि एसएससी जीडी एसएससी सीजीएल बिहार एस बिहार दरोगा बिहार पुलिस में कुछ और वैकेंसी जो आई थी जिनका एग्ज़ाम होना बाकी है और बाकी जितनी भी स्टेट की प्रतियोगिता परीक्षा है उन सभी परीक्षाओं के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है जैसे कि बी हो गया एम हो गया यू हो गया इन सभी एग्ज़ाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे क्योंकि जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्ज़ाम में उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर शामिल किया गया है इस वीडियो का पी फाइल भी अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है वहाँ से आप इसे मात्र पंद्रह रुपये या उससे ज़्यादा जो भी कीमत आप देना चाहें वो आप पे करके उसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं और उसको प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं तो 630 से ज़्यादा प्रश्न इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा चैनल को पहली बार अगर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे देखिए क्वेश्चन की क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी है देश की पहली पेपरलेस अदालत कौन बन गई है केरल हाईकोर्ट इसका आंसर होगा तेजी में देखना है क्योंकि छः प्रश्न है और एक ही वीडियो के अंदर हम लोगों को डिस्कस करना है तो काफ़ी तेजी में हम आगे बढ़ेंगे हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को साल 2021 की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया स्मृति मंदाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में 11000 करोड़ रुपये की किस जल विद्युत परियोजना को लॉन्च किया है सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर यानी ई के लिए मौजूदा सालाना पारिवारिक आय सीमा को कितने लाख रुपये रखने की सिफारिश को मान लिया है आठ लाख रुपये या इससे कम देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य कौन बन गया है हिमाचल प्रदेश हाल ही में किस टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 21 सालों में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है तो आंसर हो जाएगा बांग्लादेश नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बन गई हैं तो आंसर होगा प्रीत चंडी हाल ही में किसने 2022 के लिए सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति यानी सी सी का अध्यक्ष पद का ग्रहण किया है तो यह है टी एस तिरुमूर्ति हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने नए अस्थायी सदस्यों का चयन किया गया है तो आंसर होगा पाँच हाल ही में किस देश ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है आंसर होगा उत्तर कोरिया केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस शहर में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया तो आंसर होगा हैदराबाद आयुष आहार योजना को हाल ही में किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है आयुष मंत्रालय ने मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल प्रधानमंत्री के द्वारा किस शहर में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है मेरठ उत्तर प्रदेश में हाल ही में किस देश ने अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट का खिताब जीता है तो आंसर हो जाएगा भारत विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है चार जनवरी को मनाया जाता है तीन ट्रिलियन डॉलर मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन बनी है एप्पल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने हाल ही में किसे नए अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया है पियरे ओलिवियर गोरिंचस् को हाल ही में भारतीय रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है तो आंसर होगा मिशन अमानत आंध्र प्रदेश सरकार ने अब कर्मचारियों के रिटायरमेंट की जो उम्र है उसको 60 साल से बढ़ाकर कितना कर दिया है बासठ वर्ष कर दिया है पासपोर्ट स्वतंत्रता को लेकर हैंनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है जनवरी 2021 के जनवरी 2022 के अकॉर्डिंग जापान एवं सिंगापुर नंबर वन पोजीशन पर हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में जनवरी 2022 के अकॉर्डिंग जो है वो भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है तो तिरासीवाँ स्थान प्राप्त है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के नए चीफ के रूप में किसको नियुक्त किया गया एस सोमनाथ को टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन को किस राज्य सरकार ने डीएसपी पद पर नियुक्त किया है तो आंसर हो जाएगा असम जल संरक्षण प्रयासों में जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश खेलो इंडिया 2023 की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है मध्य प्रदेश प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन मनाया जाता है 9 जनवरी को हाल ही में किस देश ने एक अठारह साल से छोटी लड़की के विवाह पर कानून बनाकर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है देश का नाम है फिलीपींस एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है उर्जित पटेल को विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है दस जनवरी को पेट्रोलियम निर्यातक देश के संगठन ओपेक का नया महासचिव किसे बनाया गया है, है अल असम सरकार ने हाल ही में किस नेशनल पार्क का आकार बढ़ाने का फैसला किया है ओरंग नेशनल पार्क माया एंजेला किस देश के सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है आंसर होगा अमेरिका हाल ही में किस देश ने भारत के साथ दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल जिसको कहेंगे उसकी खरीद को मंजूरी दे दी है तो फिलीपींस दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज कौन बने हैं ऋषभ पंत अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने किस देश में अमेरिकी राजदूत के लिए एरिक गारसेी को मनोनीत किया है तो आंसर होगा भारत भारत सरकार ने हाल ही में जीवन बीमा निगम में कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफ की अनुमति देने का निर्णय लिया है बीस प्रतिशत यूनेस्को ने भारतीय धरोहरों का विवरण किस भाषा में छापने की सहमति दे दी है हिंदी भाषा में आई के टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए दो साल के लिए किस कंपनी ने समझौता किया टाटा ग्रुप ने राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है 12 जनवरी को किस राज्य सरकार ने कोविड 19 गाइडलाइंस के तहत जलीकट्टू के आयोजन को मंजूरी दे दी है तमिलनाडु लीजेंट्स लीग क्रिकेट यानी एल ने किस महिला क्रिकेटर को ऑल विमेन मैच आधिकारिक टीम का एम्बेसडर नियुक्त किया है तो आंसर होगा झूलन गोस्वामी किस राज्य के गंजम जिले ने खुद को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया है तो ये ओडिशा में है किस राज किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनकर सारा गिल ने इतिहास रच दिया है तो सारा गिल पाकिस्तान की है जो पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ठीक है एच ए एल ने एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर किस देश को बेचने का समझौता किया है मॉरिशस को त्रिपुरा मणिपुर और मेघालय के स्थापना दिवस कब मनाया जाता है 21 जनवरी को मनाया जाता है मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की विश्व की तेरह नेताओं की सूची में किस नेता को लोकप्रिय नेताओं में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगला सवाल देखिए मॉरिशस सरकार ने मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना में भारत के समर्थन को लेकर एक स्टेशन का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है तो आंसर होगा महात्मा गांधी ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं उन्मुक्त चंद किसे लगातार दूसरी बार फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चुना गया रॉबर्ट लेवाणोवस्की को किस वरिष्ठ नौकरशाह को एयर इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक यानी सी बनाया गया है विक्रम देव दत्त को हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा में आयु सीमा को बत्तीस वर्ष से बढ़ाकर अड़तीस वर्ष कर दिया है तो आंसर होगा ओडिशा किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में स्थानीय निवासियों के लिए पचहत्तर प्रतिशत नौकरियाँ आरक्षित कर दी है हरियाणा न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट कौन बन गया है गुजरात हाईकोर्ट हरियाणा सरकार ने किसे राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया है रेणु भाटिया को भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है पंद्रह जनवरी को आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे अपना नया बॉलिंग कोच नियुक्त किया भारत अरुण को असम सरकार ने किसे राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव प्रदान किया है काफी महत्वपूर्ण सवाल है रतन टाटा को दिया गया है असम वैभव और कौन सी सरकार असम सरकार ने दिया है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का पहला दुग्ध गांव किसे घोषित किया गया जेरी बस्ती को देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं सभी इम्पॉर्टेंट हैं अगर आपका एग्ज़ाम ठीक एक दिन दो दिन पहले है तब भी आप इस वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि ये आपको रिवीजन के तौर पर काम आएगा और एक ही दिन अगर आप इन सारी क्वेश्चंस को देख लेते हैं तो कुछ ना क्वेश्चंस आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस याद हो जाएंगे और वो क्वेश्चंस जो पहले से आपने याद किए थे वो आपको रिकॉल होगा और एग्जाम में आपको वो हेल्प करेगा अगर जिनके एग्जाम में अभी समय है काफ़ी टाइम है वो आप इसको डेली देख करके इसको याद कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में जो देश विश्व के खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश बना है आंसर होगा भारत राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस ये दो दिवस है जो कब मनाया जाता है 25 जनवरी को मनाया जाता है आईसीसी की तरफ से साल 2021 की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर कौन बनी है स्मृति मंधाना नेताजी रिसर्च ब्यूरो ने जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है तो आंसर होगा सिंजो आबे केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य के मंगलुरु के गंजीमठ में एक प्लास्टिक पार्क बनाने को मंजूरी दे दी है आंसर होगा कर्नाटक पाकिस्तान के किस विकेट कीपर बल्लेबाज को आईसीसी पुरुष टी ट्वेंटी प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया मोहम्मद रिजवान को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है 24 जनवरी को मनाया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके वहाँ पर किसकी प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की है तो आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस ये ऑलरेडी लगाई भी जा चुकी है जो हम आगे देखेंगे कि कितनी ऊँची ये ये मूर्ति जो है ये जो प्रतिमा है ये कितनी ऊँची है ठीक है आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में कितने नए जिलों के गठन को मंजूरी दे दी है तो आंसर होगा तेरह भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में एक 180 देशों की सूची में भारत का स्थान क्या है पचासीवाँ हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन और जो प्रबंध निदेशक हैं वो कौन बने हैं पुष्प कुमार जोशी गूगल ने हाल ही में भारतीय एयरटेल में कितने अरब डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है एक अरब डॉलर नीति आयोग ने ग्रेट निकोबार में कितने करोड़ रुपए की एकीकृत परियोजना की शुरुआत की है बहत्तर हजार करोड़ रुपए। विश्व कुष्ठ रोग दिवस यानी वर्ल्ड लेप्रोसी डे किस दिन मनाया जाता है तीस जनवरी को सरकार ने बजट सत्र 2021-22 में क्रिप्टो करेंसी पर होने वाली आय पर कितने प्रतिशत टैक्स लगाने की घोषणा की है तीस प्रतिशत नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के ऑलराउंडर डेरिल मिशेल को अबुधाबी में आईसीसी सी स्परिट ऑफ क्रिकेट पुरस्कार दिया जाएगा दिया गया है तो न्यूजीलैंड में ठीक है ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं उसके बाद है किस भारतीय स्टार को प्रतिष्ठित लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार में ब्रेक थ्रू पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया नीरज चोपड़ा अमेरिका ने हाल ही में किस देश को गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा देने की घोषणा की है कतर को विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है चार फरवरी देश का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र यानी ग्राफीन इनोवेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित होगा तो आंसर होगा केरल काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है भारत के किस राज्य में देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनाने की घोषणा की गई है मध्य प्रदेश रक्षा मंत्रालय ने दवाओं की होम डिलीवरी के लिए किस योजना को शुरू किया है सेहत योजना विश्व आर्द्र भूमि यानी वर्ल्ड वेटलैंड्स डे किस दिन मनाया जाता है दो फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के अनुसार अगले तीन साल के दौरान कितने पीएम गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल डेवलप किए जाएंगे 100 और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के अनुसार वित्त वर्ष दो में कितने किलोमीटर का हाईवे तैयार किया जाएगा पच्चीस किलोमीटर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के अनुसार अगले तीन साल में कितने वंदे भारत ट्रेन का निर्माण व विकास किया जाएगा तो आंसर होगा 400 ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब किसने जीत लिया है एसले बाटी ने जीता है इसराइल और किस देश के ने राजनयिक संबंधों के तीस साल पूरे होने पर जश्न मनाया और एक लोगो जारी किया भारत ने इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं कि लोगों किसने जारी किया अपने तीस साल के राजनीतिक संबंध पूरे होने पर किस देश के साथ तो ये भी सवाल पूछा जाता है जैसे इसराइल और किस देश के साथ तो भारत के साथ ये तीस साल पूरे हुए थे किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष शिकल का खिताब जीता है राफेल नडाल ने और केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को किस टीम ने इंग्लैंड को हराकर अंडर 19 वर्ल्ड कप पाँचवीं बार जीता है तो आंसर होगा भारत हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक देश एक राशन कार्ड योजना लागू की है छत्तीसगढ़ ने भारत के निर्यात आयात एग्जिम बैंक जिसको बोलते हैं उसने और श्रीलंका सरकार ने कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं तो आंसर होगा पाँच मिलियन अमेरिकी डॉलर एक हज़ार वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम कौन बन गई है भारत और भारत ने यह मैच जो है वेस्टइंडीज के साथ खेला है समुद्र तल से दस हजार चौवालीस फुट की ऊंचाई से गुजरने वाली किस टनल को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है अटल टनल इसको कहेंगे रोहतांग सुरंग भी इसको कहते हैं विश्व यूनानी दिवस कब मनाया जाता है ग्यारह फरवरी को हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को अठारहवें राय लिमय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है नितिन गडकरी को भारतीय रिजर्व बैंक यानी आर ने ई रुपी वाउचर के सीमा दस हज़ार रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी है एक लाख रुपये कर दी है केंद्र सरकार ने हाल ही में विदेशों से किस चीज़ के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है विदेशी ड्रोन भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने भारत में किस नाम के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर में से एक को कमीशन किया है तो आंसर होगा परम प्रवेग राष्ट्रीय एकल खिलाड़ी प्र, खिड़की प्रणाली सिंगल विंडो क्लियरेंस जिस सिस्टम जिसको बोलते हैं उसको लॉन्च करने वाला पहला राज्य या यूनियन टेरिटरी कौन बना है जम्मू कश्मीर मध्य प्रदेश सरकार ने होशंगाबाद का नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की है नर्मदापुरम हाल ही में प्रधानमंत्री ने चौरी चौरा घटना के कितने वर्ष पूरे होने पर स्वतंत्रता संग्राम के वीरों को श्रद्धांजलि दी है आंसर होगा सौ वर्ष पूरे हुए हैं चौरी चौरा हत्याकांड या घटना को सौरभ गांगुली ने दुनिया के तीसरे एवं भारत के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला कहाँ पर रखी है जयपुर में उत्तराखंड राज्य ने किस अभिनेता को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है अक्षय कुमार को किस देश ने हाल ही में सोलोमन द्वीप पर अपना दूतावास खोलने की घोषणा की है अमेरिका हाल ही में किस राज्य या यूनिटेटी के पुलिस ने स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस की शुरुआत की है तो दिल्ली राष्ट्रपति एर्दोगन ने तुर्की देश का नाम बदलकर क्या कर दिया है तुर्की ये चोलेंद्र शमशेर राणा किस देश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश बने हैं नेपाल प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है डाबर इंडिया महाराष्ट्र सरकार ने कैंसर की रोकथाम के लिए किस योजना को शुरू किया है होप एक्सप्रेस विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किसने की है भारत ने हरियाणा कैडर के किस आईपीएस अधिकारी को गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त बनाया गया है कला रामचंद्रन को विश्व रेडियो दिवस किस दिन मनाया जाता है तेरह फरवरी टाटा सन्स का चेयरमैन किसे पाँच वर्ष के लिए फिर से नियुक्त किया गया है एन चंद्रशेखरन को एच वायरस की खोज करने वाले किस नोबेल विजेता वायरोलॉजिस्ट का नवासी वर्ष की उम्र में निधन हो गया है ल्यूक मॉन्टेनियर इन्होंने एच वायरस की खोज की थी और इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया जा चुका है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा किस दिन मनाया जाता है इक्कीस फरवरी को भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन बन गया है नेपाल प्रथम श्रेणी के पहले ही मैच में तिहरा शतक यानी तीन रन लगाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बने साकेबुल गनी दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है आंसर होगा शेर शाह दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर एवं बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया तो रणवीर सिंह को बेस्ट एक्टर का उनकी फिल्म 83 के लिए और कृति सेनन को उनकी फिल्म मिमी के लिए दिया गया है कृषि नेटवर्क ने हाल ही में किस फिल्म अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है पंकज त्रिपाठी ने 24 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि योजना के कितने साल पूरे हुए हैं तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तीन साल पूरे हुए हैं 24 फरवरी 2022 को और आने वाले 24 फरवरी 2023 को चार साल पूरे हो जाएंगे तो ये भी ध्यान रखिएगा केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है चौबीस फरवरी को हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा की है तो देखिए आंसर होगा राजस्थान इसके अलावा छत्तीसगढ़ और झारखंड ने भी ये घोषणा की है तो इन तीनों राज्यों को याद रखिएगा किस राज्य या यूनियन टेरेटरी की कैबिनेट ने ई कचरे का निपटान करने के लिए जो है वो देश के पहले ई वेस्ट ईको पार्क को मंजूरी प्रदान की है तो आंसर हो जाएगा दिल्ली हाल ही में थम्सअप ने किस फिल्म अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है तो आंसर हो जाएगा शाहरुख खान किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को लॉन्च किया है तो आंसर होगा जापान पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार हिलाले पाकिस्तान हाल ही में किसे प्रदान किया गया बिलगेट्स को इकतीसवें दक्षिण पूर्वी एशियाई एशियाई एस खेलों की मेजबानी किस देश को प्रदान की गई है वियतनाम को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है चार मार्च को भारत और किस देश के बीच पच्चीस फरवरी दो को राजनयिक संबंधों के पचहत्तर साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक विशेष लोगों का अनावरण किया गया तो भारत और बेल्जियम ठीक है इसके बाद देखिए किस राज्य में ऑनलाइन बैंक खाता खोलने के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने प्रोजेक्ट बैंक सखी योजना को लॉन्च किया है तो आंसर होगा ओडिशा गूगल ने अपनी गूगल प्ले पास सर्विस किस देश में लॉन्च कर दी है आंसर होगा भारत यूरोपीय संघ ने हाल ही में किस देश को शामिल करने की मंजूरी प्रदान कर दी है आंसर होगा यूक्रेन भारत में शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति किस राज्य में बन रही है तो आंसर होगा बिहार दलित बंधु योजना किस राज्य सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है तेलंगाना किस राज्य सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की है छत्तीसगढ़ किस राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान प्राप्त किया है तो आंसर होगा उड़ीसा किस आईआईटी संस्था ने परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है आईआईटी आई टी रूड की डी ब्रांड डी ने किसी भारतीय क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है ऋषभ पंत को नेपाल के किस ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है भूमिका श्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है आठ मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मार्च में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कितनी महिला को नारी शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया है उनतीस किस देश ने पृथ्वी की निचली कक्षा में अपना दूसरा उपग्रह नो टू प्रक्षेपित किया है ईरान भारतीय रिजर्व बैंक ने गवर्नर शक्तिकांत दास ने भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास उन्होंने फीचर फोन के लिए किस यू नामक आधारित पेमेंट प्रोडक्ट्स लॉन्च किया है यू पी आई पे भारतीय एक्सल लाइफ इंश्योरेंस ने किस अभिनेत्री को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है विद्या बालन कपिल देव को पीछे छोड़ टेस्ट विकेट टेस्ट क्रिकेट में विकेट लेने के मामले में दूसरे भारतीय बॉलर यानी गेंदबाज कौन बन गए हैं आर अश्विन विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है पंद्रह मार्च को किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चार श्रमिक कल्याण प्रकल्प नामक एक विशेष योजना की शुरुआत की है तो आंसर होगा त्रिपुरा भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम किस राज्य में लॉन्च किया गया है कर्नाटक कैटलिन नोवाक को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया हंगरी भारत ने दूतावास को जो है यूक्रेन से किस देश में अस्थायी रूप से हस्तांतरित करने का फैसला किया है पोलैंड में भारत का इक्विटी बाजार पहली बार बाज़ार पूंजीकरण के मामले में दुनिया के कितने स्थान पर पहुंच गया है पाँचवें स्थान पर देवाशीष पांडा को कितने साल के कार्यकाल के लिए भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण आई आग आग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है तीन साल हाल ही में प्रतिष्ठित मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता कैरोलिना बिलावस्का ने अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 2022 की थीम क्या है कीप काम स्टे वाइज एंड बी काइंड क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 8000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं स्टीव स्मिथ उन्नीस में ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट यानी जी जो कि एक इमेज का फॉर्मेट होता है जैसे डॉट जे पी जी डॉट जी आई एफ डॉट पी एन जी तो जी आई एफ फॉर्मेट बनाने वाले जो थे उनका हाल ही में चौहत्तर वर्ष की उम्र में निधन हुआ है उनका नाम क्या है स्टीफन विलहाइट उनका नाम है एबेल पुरस्कार 2022 के विजेता कौन है डेनिस पार्नेल सोलिवन जो कि अमेरिका के हैं भारतीय मूल की किस कंपनी ने फीफा विश्व कप 2022 की स्पॉन्सरशिप हासिल की है जो कि एक एडटेक कंपनी है है किस राज्य के द्वारा 22 मार्च 2022 को अपना स्थापना दिवस मनाया गया है? बिहार वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन है बांग्लादेश विश्व जल दिवस किस दिन मनाया जाता है 22 मार्च को और इस बार का जो विषय था भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी जनरल विपिन रावत को हाल ही में मरणोपरांत कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया पद्म विभूषण दिया गया है मरणोपरांत हिम प्रहरी योजना किस राज्य ने शुरू की है उत्तराखंड ने ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल कहाँ पर लॉन्च किया किसने लॉन्च किया है सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने किस देश ने 2022 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड को इकहत्तर रन से हराकर सातवीं बार ये खिताब जीता है तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया ग्रेमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला गायक कौन बन गई हैं अरूज आफ्ताब केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा मंदिरों के अनुष्ठानों को लाइव देखने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है टेम्पल थ्री सिक्सटी हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने किस आई को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया है आई एन वलसूरा फार्म इजी ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है आमिर खान वह शहर जो प्रसंस्कृत प्रसंस्कृत स्टील स्लैग यानी इंडस्ट्रियल वेस्ट से सड़क बनाने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है सूरत ये गुजरात में है भारत सरकार के द्वारा भविष्य में परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए कितने नए स्थल के लिए जो है सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है तो यह आंसर हो जाएगा पांच किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग से जी टैग मिलेगा हिमाचल प्रदेश 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन करेगा ऑस्ट्रेलिया किस असमिया कवि को हाल ही में छप्पनवे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मान नवाजा गया है नीलमणि फूकन को भारत का मुख्य जी ट्वेंटी समन्वयक किसे नियुक्त किया गया हर्षवर्धन सिंगला को हाल ही में किसको संघ लोक सेवा यूपीएससी का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है डॉक्टर मनोज सोनी भारत और किस देश के बीच आठ साल के बाद रेल सेवा को फिर से बहाल किया गया नेपाल एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन है राजस्थान विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है 18 अप्रैल को इसकी थीम थी धरोहर और जलवायु हाल ही में किस शहर ने हुनर हाट के 40वें संस्करण का उद्घाटन किया है मुंबई ने उसके बाद देखिए किस शहर में किया गया है मुंबई में दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण सीमा सड़क संगठन यानी बी आर ओ के द्वारा शिंकुला दर्रे पर कितने फीट पर किया जाएगा सोलह हजार पाँच सौ अस्सी फीट दो हजार बाईस गेम के का जो आयोजन है वो किस देश में किया गया है नीदरलैंड में हाल ही में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने किस पोर्टल को विकसित किया है तो ये पोर्टल है ई डार ठीक है उसके बाद देखिए यहाँ पर ई डार में फॉर्म भी पूछा जा सकता है डिटेल एक्सीडेंट रिपोर्ट इसको बोलते हैं इसके बाद देखिए विश्व मलेरिया दिवस वर्ल्ड मलेरिया डे जो है वो कब मनाया जाता है 25 अप्रैल को इसकी थीम है हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव लाइफ्स हाल ही में प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये सारे इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा मार्च 2024 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर कितने हज़ार करने का लक्ष्य तय किया है उन्होंने दस हजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में दूध वाणी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया है गुजरात में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है चौबीस अप्रैल को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हाल ही में किस शहर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया बेंगलुरु में इसके बाद देखिए कौन सी फ्लाइट स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाली देश की पहली एयरलाइन बन गई है इंडिगो एयरलाइन अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस वर्ष में कितनी बार मनाया जाता है दो बार अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है एक मई को भारतीय सेना के उनतीसवें प्रमुख के रूप में जनरल मनोज मुकुंद नरवने की जगह किसने ली है मनोज पांडे ने टाटा आईपीएल फाइनल 2022 की मेजबानी किस स्टेडियम ने की है नरेंद्र मोदी स्टेडियम ने, ने, ने। जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग ने जम्मू क्षेत्र में कितनी सीटों का प्रस्ताव दिया है तो आंसर होगा तैतालीस किस देश ने भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी की है डेनमार्क ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक दो में भारत पिछले साल के एक स्थान से फिसल कर किस स्थान पर आ गया एक में कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 में कितने किस देश को जो है कंट्री ऑफ ऑनर के तौर पर चुना गया है तो आंसर होगा भारत इसके बाद नीति आयोग के उपाध्यक्ष का कार्यभार किसने संभाला है सुमन बेरी ने किस राज्य के मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है राजस्थान में दिया ये था ये स्टेशन इसके बाद देखिए हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव के रूप में कार्यभार किसने ग्रहण किया विनय मोहन क्वात्रा ने किस राज्य में भारत के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन यानी अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन हुआ है तो बिहार में किस राज्य के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के ने सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए मुफ्त नाश्ता योजना यानी जो फ्री ब्रेकफास्ट स्कीम है उसको लॉन्च किया है तो आंसर होगा तमिलनाडु श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं रानिल विक्रम सिंह दस मई को दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली यून सुक येओल ने किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लाडली लक्ष्मी योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है मध्य प्रदेश ने हाल ही में किस देश के पुरुष बैडमिंटन टीम के बैंकॉक में फाइनल में इंडोनेशिया को हराकर पहली बार थॉमस कप का खिताब जीता है तो ये जीता है भारत ने ठीक है उसके बाद देखिए त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली मानिक साह ने और किस देश के शोधकर्ताओं ने चंद्रमा की मिट्टी को पृथ्वी पर लाकर पौधे उगाए हैं आंसर होगा अमेरिका किस देश ने डेफ ओलंपिक्स 2021 की मेजबानी की है ब्राज़ील ब्राजील में समाप्त हुए डेफ ओलंपिक्स में भारतीय खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते सत्रह भारत की मुक्केबाज निखत जरीन ने विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल में कौन सा पदक जीता है स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 की थीम क्या है संग्रहालय की शक्ति भारत के दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने चौदह uh, मई 2022 को किस पोर्टल को लॉन्च किया है गतिशक्ति संचार केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने हाल ही में किस राज्य के रामगढ़ विषधारी अभ्यारण को विश्व देश का जो है बावनवा टाइगर रिजर्व घोषित किया तो आंसर होगा राजस्थान भारतीय मूल के किस बिजनेसमैन को दूसरी बार लंदन ब्रो ऑफ साउथवर्क में मेयर चुना गया है सुनील चोपड़ा अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में भारत के सबसे बड़े ड्रोन फेस्टिवल भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया दिल्ली में किस लेखिका को अनुवादित हिंदी उपन्यास टॉम्बॉफ सेंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है गीतांजलि श्री को विनय सक्सेना ने हाल ही में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी के उपराज्यपाल के उपराज्यपाल के पद की शपथ ली है तो आंसर होगा दिल्ली भारत वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में फिसलकर कितने स्थान पर आ गया है चौवनवें स्थान पर एंथनी अल्बानीस ने हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है ऑस्ट्रेलिया वैश्विक स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस संगठन ने भारत के 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया है तो आंसर होगा डब्ल्यू एच ओ ने हाल ही में किस बीमा कंपनी ने बीमा रत्न योजना की शुरुआत की है एल आई सी यानी भारतीय जीवन बीमा निगम ने राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत परम अनंत सुपर कंप्यूटर को किस आई आई टी में स्थापित किया गया है आई आई टी गांधी हाल ही में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एन का महानिदेशक किसे बनाया गया है राजेश गेड़ा को भारत ने हॉकी एशिया कप में जापान को हराकर कौन सा पदक जीता है कौन से पदक सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी का नया महानिदेशक कौन बने हैं सुजॉय लाल थाउसेन हाल ही में किसे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी बी का महानिदेशक बनाया गया है जुल्फिकार हसन को केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए प्रीमियम की दर जो की तीन सौ तीस रूपये सालाना थी उसे बढ़ाकर कितना कर दिया है चार सौ छत्तीस रूपये काफी इंपॉर्टेंट है इसको नोट करिएगा भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है शौर्य चक्र से भारत ने किस देश को चालीस हजार मेट्रिक टन डीजल की खेप भेजी है तो आंसर होगा श्रीलंका राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है तो आंसर होगा गुजरात विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है पाँच जून को और पाँच जून 2022 के लिए जो इस बार की थीम थी वो थी केवल एक पृथ्वी किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार जीता है तो आंसर होगा मेघालय हाल ही में किसने आई डबल एस एफ निशानेबाजी चैंपियनशिप में सिल्वर पदक जीता अंजुम मौतगिल ने किस राज्य सरकार ने हाल ही में समुद्री समुद्र तटों के समग्र प्रबंधन के लिए वीगिल एप, बीच वीगिल ऐप बीच वीगिल ऐप को लॉन्च किया है तो आंसर होगा गोवा हाल ही में किस देश ने चांद का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र यानी जूलॉजिकल मैप जारी किया है तो आंसर होगा चीन किसे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एशिया एवं प्रशांत विभाग के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है तो आंसर होगा कृष्णा श्रीनिवासन ग्लोबल एसडीजी पायनियर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं रामकृष्ण मुक्कावेली किस देश को पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में सबसे नीचे स्थान दिया गया है भारत आलोक कुमार चौधरी किस बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है एस के भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर कहाँ पर बनाया जाएगा चंडीगढ़ में भारत को कितने साल की शानदार सेवा प्रदान करने के बाद तीन जून दो को भारतीय नौसेना के जहाज़ों निशंक और अक्षय को सेवा मुक्त कर दिया गया है बत्तीस साल विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है सात जून को भारत ने 6 जून 2022 को परमाणु हमले में सक्षम किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है अग्नि अग्निचार भारतीय खेल प्राधिकरण के किस महानिदेशक के कार्यकाल को दो साल के लिए से अधिक का विस्तार दिया गया है संदीप प्रधान को किसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने अपने प्रौद्योगिकी राजदूत के रूप में नियुक्त किया अमनदीप सिंह गिल को किस देश ने हाल ही में पहली बार फीफा ई नेशंस कप दो के लिए क्वालिफाई किया है भारत ने आर ने कार्ड और यू के माध्यम से किए गए ऑटो डेबिट मैंडेट की सीमा को बढ़ाकर पाँच हज़ार रुपये से कितना कर दिया है पंद्रह हजार रुपये भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट किस शहर में स्थापित की जाएगी हैदराबाद में किसे हाल ही में महाराष्ट्र के एच विश्वविद्यालय के द्वारा मानद डॉक्टर ऑफ लिटरेचर से सम्मानित किया गया है रतन टाटा को किसे हाल ही में संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव नियुक्त किया गया रबाब फातिमा को उसके बाद है हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है आरती प्रभाकर को हाल ही में किसने अंडर 15 एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता है अनाहत सिंह ने किस देश के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया ऑस्ट्रेलिया इसके बाद है किस देश ने सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक विमान वाहक पोत फुजियान लॉन्च किया है चीन ने हाल ही में किस देश ने नूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है तो आंसर हो जाएगा प्रक्षेपण जो है वो दक्षिण कोरिया ने किया है किस देश ने G7 जी सेवन सम्मेलन 2022 जो कि अड़तालीसवां जी सेवन सम्मिट था इसका आयोजन किया है तो जर्मनी में उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस किस दिन मनाया जाता है 23 जून को इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार कौन सा शहर रहने के लिहाज से दुनिया का सबसे अच्छा शहर है तो ये वियना कौन सा एयरपोर्ट अक्षय ऊर्जा से जरूरत पूरी करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जी ट्वेंटी की बैठक जम्मू कश्मीर में किस वर्ष होगी दो हजार तेईस में केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नया प्रमुख नियुक्त किया है दिनकर गुप्ता को हाल ही में किस मंत्री ने श्रम निर्माण श्रमिकों के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए निपुण योजना की शुरुआत की है हरदीप सिंह पुरी ने किस राज्य ने भारतीय बधिर क्रिकेट संघ के द्वारा आयोजित पहली अंडर 19 टी ट्वेंटी राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब जीता है तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश किसके द्वारा आगामी राष्ट्रमंडल खेलों में सैंतीस सदस्यीय भारतीय एथलेटिक्स टीम का नेतृत्व किया जाएगा तो आंसर होगा नीरज चोपड़ा वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़ने वाला देश का अंतिम राज्य कौन बन गया है असम किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए एक रोबोट डेवलप किया है आईआईटी मद्रास ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है 21 जून को और 21 जून 2022 को जो थीम थी योगा फॉर ह्यूमैनिटी यानी मानवता के लिए योग हाल ही में किस राज्य सरकार ने एनम एजुथम योजना की जो है वो लॉन्च किया है तमिलनाडु ने हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा एक स्थान पर हाल ही में किसे भारतीय ओलंपिक संघ का कार्यवाहक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया अनिल खन्ना को हाल ही में किस राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की है तो आंसर होगा केरल झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा राज्य यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है तो आंसर होगा राजस्थान किस देश ने अंतरिक्ष में ठोस ईंधन वाला रॉकेट जुलजना लॉन्च किया है ईरान ने हाल ही में किस राज्य सरकार ने जगन्ना जगन्ना अम्मा वोडी योजना के तहत छः करोड़ रुपये जो है वो जारी किए हैं आंध्र प्रदेश ने सीबीडीटी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया नितिन गुप्ता को हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है लीजा एस्टालेकर किस देश ने बेलारूस को स्कंदर एम मिसाइल सिस्टम स्थानांतरित करने की घोषणा की है रूस ने राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है उनतीस जून को डेयरी और पशुपालन मंत्रालय ने जून दो में किस शहर में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया बेंगलुरु में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है संभाजी नगर हाल ही में किसे राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड यानी एन के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है पी उदय कुमार को किसने मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का किताब अपने नाम कर लिया है शिनी सेट्टी ने और हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू की है हिमाचल प्रदेश फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी एफएटीएफ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं टी राजा कुमार ने जो है वो टी राजा कुमार बने हैं भारत का सबसे बड़ा तैरता और सौ ऊर्जा संयंत्र एन के द्वारा किस राज्य में पूरी तरह से चालू किया गया है तेलंगाना में ये भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल यानी डब्ल्यू की रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्र में चक्रण में भारत जो है वो किस स्थान पर है चौथे नंबर पर हाल ही में किस राज्य के लोगों को साओ जुआओ त्यौहार मनाया है किस राज्य के लोगों ने गोवा जूनियर फर्डिनेस मार्कोस ने मनीला में किस देश के सत्रहवें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है तो फिलीपींस किस राज्य में काई चटनी जो जिसका वैज्ञानिक नाम ओकोफिला स्मारगडिना है इसको भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री के लिए प्रस्तुत किया गया है तो आंसर होगा ओडिशा काई चटनी कहाँ के लिए ओडिशा के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ का उपाध्यक्ष किसको बनाया गया संजीव पुरी को केंद्र सरकार ने के जो थिंक टैंक है नीति आयोग उसके किस पूर्व सीईओ को जी ट्वेंटी के लिए भारत का नया शेर पर चुना गया है अमिताभ कांत विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है ग्यारह जुलाई को और तेरह एक्सप्रेस वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है तो ये बन गया है उत्तर प्रदेश नेपाल ने हाल ही में पहली बार किस देश को सीमेंट का निर्यात शुरू किया है भारत को विश्व मलाला दिवस 12 जुलाई को मनाया जाता है किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों के दीवार में शामिल किया गया गीता गोपीनाथ हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन कुशल कर्मी योजना को लॉन्च किया है तो आंसर होगा दिल्ली भारत की पल्लवी सिंह ने किस देश के येवोसु शहर में आयोजित फाइनल में मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब जीता दक्षिण कोरिया राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस नेशनल फिश फार्मर्स डे किस दिन मनाया जाता है 10 जुलाई को केंद्रीय केंद्र की जो नई शिक्षा नीति है उसको प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है आंसर होगा उत्तराखंड भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री के लिए लागू जीएसटी दर कितनी प्रतिशत है जीरो प्रतिशत चीन और किस देश के द्वारा सी गार्जियंस टू समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया है पाकिस्तान भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक किसे माना जाता है जिनका हाल ही में निधन हुआ ब्रजेंद्र कुमार सिंगल को और विश्व आर्थिक फोरम ने हाल ही में अपनी जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 जारी की है इस रिपोर्ट में भारत को क्या स्थान मिला एक सिंगापुर ओपन 2022 का खिताब किसने जीता पीवी सिंधु ने इन्होंने चीन की वांग झी को हराया है उसके बाद है जुलाई 2022 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ कौन बने आशीष कुमार चौहान भारत की दूसरी महिला और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी द्रौपदी मुर्मू ये ओडिशा से बिलोंग करती हैं स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बन गई हैं ये भी ध्यान रखिएगा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने नीरज चोपड़ा विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री किसे बनाया गया है तो ये भी आप बताइए याद रखिएगा इंद्रमीत गिल को बनाया गया है अड़सठवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है अजय देवगन ने इनकी फिल्म तन्हाजी द अनसोंग वॉरियर के लिए और सूर्या को दिया गया है सुरराय पुटरू के लिए ठीक है सुरारय पोटरू के लिए ये दोनों अभिनेता हैं अजय देवगन और सूर्या इन दोनों को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार अड़सठवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में दिया गया है इसके अलावा अभिनेत्री की बात करें तो अपर्णा बाल मुरली को सोरारई पोटरू के लिए दिया गया है बर्गेंग, जो बर्मिंगम कॉमनवेल्थ गेम 2022 है उसमें महिलाओं के लॉन बॉल्स में भारत ने कौन सा पदक जीता स्वर्ण पदक जीता है कॉमनवेल्थ गेम 2022 में पुरुषों की 109 किलोग्राम भारोत्तोलन में कांस्य पदक किसने जीता लवप्रीत सिंह ने दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ और किस नदी पर बनेगा मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर भारत के चौदहवें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है जगदीप धनखड़ ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद सी एस आई आर की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है डॉक्टर क्लाइसेल्वी कोलंबिया के पहले वामपंथी राष्ट्रपति कौन बने हैं गुस्तावो पेट्रो फ्रांस के सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सिविलियर डेला लीजन डी ऑनर से किसको सम्मानित किया जाएगा शशि थरूर को किन दो शहर में के मध्य जो है आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया है मुंबई से अहमदाबाद भारत में किस खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है तो आंसर होगा बिहार खगोलीय वेधशाला कॉमनवेल्थ गेम 2022 में बॉक्सिंग में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता निखत जरीन ने भारत में भारत ने बर्मिंगहम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कितने पदक जीते हैं तो कुल इकसठ पदक जिसमें 22 स्वर्ण है 16 रजत है और 23 कांस्य से हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में टू जी इथेनॉल प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया उत्तर प्रदेश भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा कोलकाता में गुजरात में डिफेंस एक्सपो का बारहवां संस्करण कब आयोजित किया जाएगा आंसर होगा अक्टूबर 2022 नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या बढ़कर कितनी हो गई है पचहत्तर केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है दलाई लामा किस संगठन ने स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर पृथ्वी से 30 किलोमीटर ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया है स्पेस किड्स इंडिया ने केंद्र सरकार ने किस राज्य के अगस्त्य मलाई क्षेत्र को राज्य के पांचवें हाथी रिजर्व के रूप में नामित किया है तो आंसर होगा तमिलनाडु किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्रीय मिशन मेक इंडिया नंबर वन की शुरुआत की है दिल्ली जिसके सीएम अरविंद केजरीवाल उत्तर प्रदेश में पर्यटन के विकास के लिए उत्तर प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड का गठन किया गया है इसके अध्यक्ष कौन है वहाँ के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ठीक है इसके बाद है चौथी भारत फिलीपींस सामरिक वार्ता कहाँ पर आयोजित की गई है मनीला फिलीपींस में हाल ही में प्रसार भारती ने किसे देश की पहली देश की पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विस के साथ एक समझौता किया है तो इसका आंसर हो जाएगा थाईलैंड किस देश के साथ प्रसार भारती ने किया यह समझौता थाई पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विस जो कि थाईलैंड की जो है ब्रॉडकास्टिंग सर्विस है हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा गंगा और उनकी सहायक नदियों के लिए स्वच्छता के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं तीस हजार करोड़ रुपए। सत्रहवां प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो 2023 में कहाँ पर आयोजित किया जाएगा इंदौर मध्य प्रदेश में यू विश्व चैंपियनशिप में भारतीय कुश्ती टीम ने कितने पदक जीते हैं सोलह और इसके बाद देखिए एशिया के सबसे बड़े निजी अस्पताल अमृता हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया फरीदाबाद हरियाणा में भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण किस शहर में किया गया है पुणे में चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा शहीद भगत सिंह भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत आई का नाम क्या है आई विक्रांत भारत सरकार के द्वारा किस लोक नृत्य को यूनेस्को की आमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया है आंसर होगा गरबा किसे शरणार्थियों के स्वागत जो है स्वागत के प्रयासों के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है पूर्व जर्मन चांसलर हैं एंजिला मार्केल हाल ही में कौन सा राज्य औषधि प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से दवाओं की ऑनलाइन निगरानी शुरू करेगा तो केरल संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ ताशकंद में केंद्र सरकार के द्वारा सभी राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है उसका नाम क्या है राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल और इसकी जो लिंक है वो है एच ए टी पी एस अवार्ड्स डॉट जी ओ वी डॉट आई एन सतह से हवा में मार करने वाला वर्टिकल लॉन्च मिसाइल वी एल एस आर एस एम का सफल परीक्षण किसने किया है डी आर डी ओ ने किया है और भारतीय नौसेना ने किया दोनों ने मिल करके किया है नीति आयोग ने भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला किसको घोषित किया हरिद्वार को वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम के तहत सब्सिडी वाले उर्वरक के सभी बैगों को किस ब्रांड के नाम से बेचा जाएगा अब एक ही नाम होगा भारत हाल ही में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट के 18वें परिसर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है दमन जो कि दादर और नागर हवेली व दमन व दीब में है ठीक है डीआरडीओ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया समीर वी कामत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में कौन नामित हुए हैं जी सतीश रेड्डी हाल ही में बिहार विधान परिषद के नए सभापति के रूप में किसे चुना गया देवेश चंद्र ठाकुर को अबुधाबी मास्टर चेस का खिताब भारत में भारत के किस खिलाड़ी ने जीता है अर्जुन एरी गैसी ने साबरमती नदी पर केवल पैदल चलने वालों के लिए अटल ब्रिज का उद्घाटन किसने किया नरेंद्र मोदी ने, ने। आयुष मंत्रालय के जो है उन्होंने वन हर्ब वन स्टैंडर्ड हासिल करने के लिए आयुष मंत्रालय ने हाल ही में किसके साथ एक एम ई साइन किया है तो आंसर हो जाएगा इंडियन फार्माकोपिया कमीशन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक द आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू बीजेपी हाउ नरेंद्र मोदी ट्रांसफॉर्म द पार्टी इसके लेखक कौन है अजय सिंह हाल ही में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल ये जो रूरल ओलंपिक है ये किस राज्य में शुरू किया गया राजस्थान में जी ट्वेंटी के चौथे शिक्षा कार्य समूह और शिक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ पर आयोजित की जाएगी आंसर होगा बाली इंडोनेशिया फिल्म फेयर अवार्ड में कृति सेनन को किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है मीमी -मी। फिल्म फेयर अवार्ड जो है उसके सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया शेर शाह को दिया गया हाल ही में किस राज्य के छात्रों किस राज्य ने छात्रों की शिक्षा के लिए वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया है तो आंसर होगा दिल्ली रिलायंस इंडस्ट्री ने दुनिया के सबसे बड़े कार्बन फाइबर प्लांट किस राज्य में लगाने की घोषणा की है गुजरात में गुजरात में एक जगह है हजीरा वहाँ पर उसके बाद देखिए पांचवें राष्ट्रीय पोषण माह 2022 हज़ार बाईस का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है महिला और बाल विकास मंत्रालय भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत आई विक्रांत का निर्माण किसके द्वारा किया गया है कोचीन शिप लिमिटेड के द्वारा उसके बाद है हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं कल्याण चौबे केंद्रीय आयुर्वेद आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने अध्ययन कर रहे आयुर्वेद के छात्र यानी बी के छात्र के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है उसका नाम क्या है स्पार्क पहल एस पी ए आर के स्पार्क प्रोग्राम भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत आई विक्रांत को किसने डिज़ाइन किया वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने किस उद्यमी और सामाजिक कार्यकर्ता को प्रतिष्ठित भारतीय सी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है पूनम गुप्ता को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस के अवसर पर कुल कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए हैं तो आंसर होगा छियालीस ब्रिटेन की अगली प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है लीज ट्रस्ट को छत्तीसवें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर का नाम क्या है सावज छत्तीसवें राष्ट्रीय खेलों का गान यानी एंथम जो है एक एक भारत श्रेष्ठ भारत उसकी थीम पर आधारित है किसके द्वारा यह स्वरबद्ध किया गया है सुखविंदर सिंह के द्वारा फुटबॉल प्रतियोगिता सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप की मेजबानी किसने की श्रीलंका सुब्रतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट का इकसठवां संस्करण किस राज्य या यूनियन टेरेटरी में आयोजित किया गया है तो आंसर होगा दिल्ली भारत के किस राज्य में देश का पहला जैव ग्राम बायो विलेज स्थापित किया गया है त्रिपुरा गाँव का नाम है दसपारा गाँव हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में चौदह स्कूलों के विकास और उन्नयन के लिए कौन सी योजना शुरू की है स्कीम का नाम है पी श्री प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट पर किस भारतीय महापुरुष की 28 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है तो आंसर होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसी की चर्चा हमने की थी कि वो फीट कितनी ऊंची प्रतिमा होगी 28 फीट होगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ये प्रतिमा होगी ठीक है उसके बाद देखिए हाल ही में भारत ने किस देश को 5000 टन चावल की खेप का निर्यात किया है मेडागास्कर को यू के वर्ष 2021 के मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या है एक और यू के 2021 के मानव विकास सूचकांक में पहला स्थान किस देश को मिला है स्विट्जरलैंड को यू एस ओपन टेनिस 2022 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता कार्लोस अल्काराज ने जो कि स्पेन की है यूएस ओपन टेनिस 2022 का महिला एकल का खिताब जीतने वाली ईगा सुयांते किस देश की खिलाड़ी हैं पोलैंड की क्रिकेट में हाल ही में श्रीलंका ने किस देश को हराकर एशिया कप 2022 का खिताब जीता है पाकिस्तान को हराकर अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया सूरत गुजरात में हाल ही में आई डब्ल्यू ए वर्ल्ड वाटर कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया है कोपेनहेगन डेनमार्क में किस केंद्रीय मंत्री ने कक्षा एक से पाँचवीं के छात्रों के लिए रामकृष्ण मिशन के जागृति यानी अवेकनिंग कार्यक्रम की शुरुआत की है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत के पहले लिथियम सेल निर्माण सुविधा का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा आंध्र प्रदेश में सैफ अंडर सेवेंटीन पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है भारत ने भारत के किस राज्य में देश के पहले वन विश्वविद्यालय को मंजूरी मिली है तेलंगाना हाल ही में किसने अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्मर्स आइडियाज़ परफॉर्मर्स इम्प्लीमेंटेशन पुस्तक का विमोचन किया है रामनाथ कोविंद जो कि पूर्व राष्ट्रपति थे वर्ष 2023 में एस के 23वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा भारत आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की 19वीं बैठक किस देश में आयोजित की गई है कम्बोडिया में भारत के छिहत्तरवें चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं प्रणव आनंद और हाल ही में किस देश में टाइफून नान माडोल ने दस्तक दी है जापान में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में चार पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी जो है वो कौन बने हैं बजरंग पुनिया उसके बाद है पर्यटन मंत्रालय के द्वारा पर्यटन मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस नौसेना जहाज को सेवा मुक्त किया है आई एन एस अजय पी थर्टी फोर को भारतीय सेना ने 2023 की सेना दिवस परेड को किस क्षेत्र में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है तो आंसर होगा दक्षिणी कमान हाल ही में नॉर्थ चैनल को पार करने वाले भारत के सबसे उम्रदराज और उत्तर पूर्व भारत के पहले तैराक कौन बने हैं एलविस अली हजारी का हाल ही में भारत का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व किस राज्य में अधिसूचित किया गया है तो आंसर होगा तमिलनाडु हाल ही में किसे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स का निदेशक नियुक्त किया गया है डॉक्टर एम श्रीनिवास हाल ही में सुपर टाइफून नोरू से कौन सा देश प्रभावित हुआ है फिलीपींस किस केंद्रीय मंत्री ने जलदूत ऐप को लॉन्च किया है गिरिराज सिंह ने वर्ष 2020 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया आशा पारेख को स्वास्थ्य सुविधा रजिस्टर में विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ने के लिए आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 से किस राज्य को सम्मानित किया गया उत्तर प्रदेश विश्व पर्यटन दिवस हर साल 27 सितंबर को मनाया जाता है इसकी थीम दो की थीम क्या थी री टूरिज्म भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो बने हैं वो कौन बने हैं तो पहले जनरल बिपिन रावत थे उसके बाद बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के किस जनपद में लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया अयोध्या में उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र में एक नए टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी है इसका नाम क्या है रानीपुर टाइगर रिजर्व प्रधानमंत्री ने दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल की आधारशिला किस राज्य में रखी है गुजरात में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला कौन बनी सामंथा क्रिस्टो भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है आर वेंकट रमणी को और सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी 2022 के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कौन सा देश टॉप पर है तो आंसर होगा स्विट्जरलैंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क स्थापित किया जाएगा हरियाणा वर्ष 2022 के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है चालीसवां रैंक है भारत के निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया है अभिनेता पंकज त्रिपाठी को स्वामते पाबो को फिजियोलॉजी या मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है वह किस देश के निवासी हैं स्वीडन के हैं किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है तो आंसर हो जाएगा विवेक लाल को नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2022 के फिजिक्स यानी बौद्धकी के नोबल पुरस्कार को कितने वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से दिया गया है तीन वैज्ञानिक को मिला है तीनों का नाम याद रखिएगा जॉन एफ क्लॉजर एल एन एस्पेक्ट और एंटोन जिलिंगर राष्ट्रीय कैडेट कोर का अखिल भारतीय नौसैनिक शिविर 2022 जिसे ए कहेंगे किस वर्ष में शुरू हुआ है किस शहर में शुरू हुआ है तो ये विशाखापट्नम आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ है किसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है एनी एनॉक्स को ठीक है एनी एनॉक्स को 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है हाल ही में स्पेस यात्रा करने वाली पहली अमेरिकी मूल की महिला कौन बनी है कर्नल निकोल मान वर्ष 2022 के केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार के विजेताओं में किसे यह पुरस्कार दूसरी बार दिया गया के बैरी शॉर्पलेस को पीएम मोदी ने हाल ही में 350 करोड़ रुपए की लागत के मेडिकल डिवाइस पार्क की आधारशिला किस राज्य में रखी है हिमाचल प्रदेश में कनाडा इंडिया फाउंडेशन ने किसे ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित किया है अनिल अग्रवाल हाल ही में दो दिवसीय स्वच्छता सारथी समारोह कहाँ पर आयोजित किया गया है आई दिल्ली नोबल शांति पुरस्कार 2022 रूस यूक्रेन के मानवाधिकार संगठनों सहित किस एक व्यक्ति को संयुक्त रूप से दिया गया है तो आंसर होगा एलेस बियालियात्स्की को छत्तीसवें राष्ट्रीय खेलों में योगासन में स्वर्ण जीतने वाली पहली एथलीट कौन बन गई हैं पूजा पटेल जो कि गुजरात की है इसके बाद देखिए भारतीय रिजर्व बैंक आर ने कौन सा वेब आधारित एंड टू एंड वर्कफ्लो एप्लीकेशन लॉन्च किया है तो आंसर होगा दक्ष नेक्स्ट क्वेश्चन है आई सी सी मेन्स टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप दो हजार बाईस के लिए भारतीय क्रिकेट टीम को चीयर करने के लिए विक्ट्री एंथम विजयी भवक का अनावरण किसने किया चीयरिंग स्क्वाड इंडिया फाउंडेशन ने किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में हाल ही में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए एंटी डस्ट अभियान लॉन्च किया गया है तो आंसर होगा दिल्ली भारत के किस बिलियर्ड खिलाड़ी ने कोलामपुर में 2022 आईबीएसएफ विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप जीती है पंकज आडवाणी ने पीएम मोदी ने हाल ही में गुजरात के किस गांव को भारत का पहला 24 घंटे सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव घोषित किया है मोढ़ेरा गांव है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है इसको याद रखिएगा इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार दो डगलस डब्ल्यू डायमंड फ़िलिप एच डायगविक और बेन एस बर्नानके को किस शोध के लिए दिया गया है आंसर तो हो जाएगा बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने गरूर एयरोस्पेस के द्वारा निर्मित मेड इन इंडिया कैमरा ड्रोन को लॉन्च किया है इसका नाम क्या है तो धोनी से मिलता जुलता नाम है ये ड्रोनी और ड्रोन है इसलिए इसको याद रखिएगा धोनी और ड्रोन तो ड्रोनी किस कार कंपनी ने भारत में पहली बार फ्लेक्स फ्यूल कार को लॉन्च किया है टोयोटा किसान किसने हाल ही में सेबी के चौथे पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्यभार ग्रहण किया अनंत नारायण गोपाल कृष्णन ने छत्तीसवें राष्ट्रीय खेलों में कौन योगासन में स्वर्ण जीतने वाली पहली एथलीट बन गई हैं पूजा पटेल जो कि गुजरात की है किस ड्रोन कंपनी को भारत का पहला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन टाइप सर्टिफिकेट दिया गया है एस्टेरिया एरोस्पेस पीएम मोदी ने ऊना जो कि हिमाचल प्रदेश में है तो ऊना से किस शहर के लिए नई वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है तो नई दिल्ली ऊना से नई दिल्ली के बीच ये चली है पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए किस नई योजना को मंजूरी दी है पी डिवाइन आर्म्ड फोर्स बैटल कैजुअलिटीज़ वेलफेयर फंड में योगदान के लिए बनी वेबसाइट माँ भारती के सपूत का गुडविल एम्बेसडर कौन है अमिताभ बच्चन हाल ही में इराक के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है अब्दुल लतीफ राशिद को भारत के किस शहर को वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है हैदराबाद पीएम मोदी ने देश में कितने प्रतिशत किसान समृद्धि केंद्र का उद्घाटन किया है तो आंसर हो जाएगा 600 केंद्र हाल ही में विश्व नंबर एक टेनिस खिलाड़ी ईगा स्विटक ने कौन सा खिताब जीता है सैन डियागो ओपन टाइटल्स हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस रेलवे स्टेशन पर भारत की पहली एल्यमोनियम फ्रेट रेक मालगाड़ी का उद्घाटन किया है भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में 121 देशों की सूची में भारत किस स्थान पर है एक सौ स्थान पर किसे हाल ही में रसायन और उर्वरक पर संसदीय अस्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है शशि थरूर भारत के पचासवें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ उनचासवें भी याद रखिएगा जस्टिस उदय यू ललित बेलॉन्डीओर अवार्ड दो जीतने वाले करीम बेंजेना बेंजेमा किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी हैं तो आंसर होगा फ्रांस बेलनडीओर अवार्ड दो में गेर्ड मूलर ट्रॉफी किसने जीती है रॉबर्ट लेवान्डोवस्की ने श्रीलंकाई लेखक शोहान करुना थिल्का को उनके किस नॉवल के लिए बुकर प्राइज दिया गया है द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा तो ये नोवेल भी याद रखना है और ये भी याद रखना कि है कि श्रीलंकाई लेखक हैं इनका नाम है शिहान करुणा तिलका इनको नोवेल के लिए इनकी जो नोवेल थी द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा इसके लिए ये प्राइज़ जो है बुकर प्राइज़ दो दिया गया बी के छत्तीसवें अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है रोजर बिन्नी को हाल ही में लिविंग प्लैनिट रिपोर्ट 2022 किस संस्थान के द्वारा जारी किया गया है वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा इसके बाद देखिए पीएम मोदी ने डेफ एक्सपो बाइस का उद्घाटन किस शहर में किया गांधीनगर जो कि गुजरात में है भारत और फ्रांस को हाल ही में किस संगठन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन स्वीडन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है उल्फ क्रिस्टरसन को मध्य प्रदेश वन्यजीव बोर्ड ने हाल ही में एक नए टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी है इसका नाम क्या है दुर्गावती टाइगर रिजर्व प्रधानमंत्री मोदी ने यूएन चीफ के साथ मिलकर गुजरात में कौन सा मिशन लॉन्च किया मिशन लाइफ हाल ही में एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है पंजाब में पांचवा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 हज़ार बाईस किस राज्य में आयोजित किया जाएगा मध्य प्रदेश में इसरो ने मून मिशन चंद्रयान थ्री को जून 2023 में लॉन्च की योजना बनाई है इसे किस इंजन से लॉन्च किया जाएगा जी एस एल वी एम के थ्री ये काफ़ी महत्वपूर्ण है इसको ध्यान रखिएगा इंटरपोल की नब्बेवीं महासभा का आयोजन किस शहर में किया जाएगा किया गया तो ऑलरेडी ये नई दिल्ली में किया जा चुका है भारतीय मूल के ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किससे चुना गया है ये भारतीय मूल के हैं ऋषि सुनक इनको ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री चुना गया है हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान सित्रांग को किस देश ने नाम दिया है थाईलैंड ने यह नाम दिया है सित्रांग अंडर ट्वेंटी थ्री वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय रेसलर कौन बने अमन सहरावत इसरो ने अपने पहले कमर्शियल मिशन के तहत किस स्पेस कंपनी के सैटेलाइट को स्पेस में भेजा है वन वेब लिमिटेड हाल ही में एफ ने किस देश को उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में शामिल किया है तो आंसर होगा म्यांमार हाल ही में भारत के किन दो बीच दो बीचों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों बीच आपको याद रखनी है मिनी कॉय थुंडी और कदमत इन दो बीचों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन हाल ही में दिया गया है काहिरा में संपन्न आई डबल एस एफ राइफल या पिस्तल वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं चौंतीस उसके बाद देखिए हाल ही में किस देश ने प्लेन लैंग्वेज एक्ट पारित किया है न्यूजीलैंड ने एफ प्रो लीग दो हज़ार के लिए हॉकी भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे बनाया गया हरमनप्रीत सिंह को 15 से 17 फरवरी 2023 तक होने वाले 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा फिजी करेगा भारत के किस हवाई अड्डे को दुनिया का दसवां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया गया है तो सबसे बिजी एयरपोर्ट जो है वो दिल्ली एयरपोर्ट घोषित हुआ है ब्राजील में हुए राष्ट्रपति चुनाव में अगले राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया लूला डिस को भारत में आयोजित अंडर सेवनटीन महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप का खिताब किस देश ने जीता है स्पेन ने अंडर सेवेंटीन महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप में गोल्डन ग्लोब का अवार्ड किस खिलाड़ी ने जीता है सोफिया फुएंतेने जो कि स्पेन की है भारत में फुटबॉल खेल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फीफा की मदद से कौन सी पहल शुरू की गई फुटबॉल फॉर स्कूल पहल भारतीय पुरुष युगल बैडमिंटन जोड़ी सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग सेट्टी ने हाल ही में कौन सा खिताब जीता है फ्रेंच ओपन 2022 पीएम मोदी ने मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया है यह किस राज्य में स्थित है राजस्थान में टाटा स्टील के पूर्व एमडी और स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से फेमस जिनका हाल ही में निधन हुआ डॉक्टर जमशेद जे ईरानी डॉक्टर जे जे ईरानी के नाम से भी इनको आप जा कह सकते हैं नॉर्थ इंडिया के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन किस शहर में किया गया है ग्रेटर नोएडा जो कि उत्तर प्रदेश में है भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थित है देखिए ये जो ग्रेटर नोएडा है ना नोएडा ग्रेटर नोएडा ये सब दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में आता है वैसे आप इसको कह सकते हैं नोएडा जो है वो एरिया एक्चुअली यूपी का है ठीक है भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में रक्षा सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है गिरिधर अरमाने ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने भारत का पहला फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप का आयोजन किस शहर में किया है श्रीनगर में जो कि जम्मू और कश्मीर यूनियन टेरिटरी में है चीन ने अपने स्पेस स्टेशन का तीसरा और अंतिम मॉड्यूल लॉन्च कर दिया है इसका नाम क्या है मैंगटियन भारत की किस स्टील कंपनी के प्रोडक्ट को भारत का पहला रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है टाटा स्टील को किसने हाल ही में चंडीगढ़ में कृषि और खाद्य प्रौद्योगिकी मेले का उद्घाटन किया उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इसराइल में संपन्न हुए चुनाव में किसे ऐतिहासिक जीत दर्ज की गई है की है तो बेंजामिन नेत्याहू ने की है अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो का पंद्रहवां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है कोची में एडटेक कंपनी बायजू ने अपनी एजुकेशन फॉर ऑल पहल के लिए किसे ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है तो लियोनल मेसी को क्लाइमेट चेंज पर कॉप ट्वेंटी सेवन कॉन्फ्रेंस मिस्र के किस शहर में शुरू हुई है शर्म अल शेख स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया काफी इंपॉर्टेंट सवाल है श्याम शरण नेगी स्वतंत्र भारत के ये पहले मतदाता थे बी डब्ल्यू एफ पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप का एकल किताब किसने जीता है प्रमोद भगत ने भारत के कौन से बल्लेबाज एक कैलेंडर वर्ष में एक हजार टी ट्वेंटी अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं सूर्य कुमार यादव केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में कितनी भाषाओं पर मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट तैयार की है पाँच भाषा में भारत सरकार ने लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है ऋतुराज अवस्थी को हाल ही में टाइगर रिजर्व ने किस टाइगर रिजर्व ने एलिफेंट एडोप्शन प्रोग्राम शुरू किया है अनामलाई टाइगर रिजर्व नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंडिया एग्री बिजनेस पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है अगला सवाल देखिए इंडिया एग्री बिजनेस पुरस्कार दो किसे प्रदान किया गया है राष्ट्रीय मत्स्यी विकास बोर्ड को भारत का पहला सॉवरन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क किसके द्वारा जारी किया गया है वित्त मंत्रालय के द्वारा आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से किसने भाग लिया है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर के पहले नेशनल रिपोजिटरी का उद्घाटन किस शहर में किया गया फरीदाबाद हरियाणा में वर्ष 2023 में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा तो आंसर होगा भारत आईसीसी सी सी टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप 2022 में किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है तो आंसर होगा सैम करन जो कि इंग्लैंड के हैं आईसीसी सी सी मेन्स टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप 2022 में किस खिलाड़ी ने सबसे अधिक विकेट हासिल किया वनिंदू हसरंगा श्रीलंका के हैं पंद्रह विकेट इन्होंने हासिल किया है किसने हाल ही में इंडिया डूडल फॉर गूगल 2022 का कंटेस्ट जीता है श्लोक मुखर्जी ने स्लोवानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया नतासा पिर मुसर को अगले ग्लोबल पेंडेमिक से निपटने के लिए जी ट्वेंटी के द्वारा कितना बिलियन का फंड जो है वो लॉन्च किया गया है तो वन बिलियन डॉलर का संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से किस देश को हटा दिया है भारत को वर्ष 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा शरद कमल अचंता को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के तिरपनवें संस्करण के दौरान किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा कार्लोस सौरा को प्रसार भारती के नए सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं गौरव द्विवेदी हाल ही में जारी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत ने कौन सी रैंक हासिल की आठवीं हाल ही में किसे आईओ के एथलीट्स कमीशन के चेयरपर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है मैरी कॉम को हाल ही में पेशा अधिनियम को किस राज्य में लागू किया गया है मध्य प्रदेश में नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया अरविंद विरमानी को काफी इंपॉर्टेंट सवाल है इसको ध्यान रखिएगा भारत में पहले एलिफेंट दैट ऑडिट फ्रेमवर्क पहल की शुरुआत किस राज्य में की गई है तो तमिलनाडु में नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया है शिलोंग मेघालय में अंतरराष्ट्रीय एथलीट कमीशन में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं शरद अजंता कमल भारत ने अंतरराष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन में परिवार नियोजन नेतृत्व में कौन सा अवार्ड जीता है एक्सेल पुरस्कार दो भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है तो लांस नायक मंजू आकाशवाणी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया डॉक्टर वसुधा गुप्ता को पीएम मोदी ने 600 मेगावाट के कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में किया है अरुणाचल प्रदेश में एशियन टेबल टेनिस टूर्नामेंट में ब्रॉन्ज जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है मनिका बत्रा पीएम मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के पहले ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन किया उसका नाम क्या है डोनी पोलो एयरपोर्ट अप्रैल 2023 में जी बिजनेस मीट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा तो आंसर होगा कोहिमा कतर में फीफा वर्ल्ड कप 2022 के उद्घाटन समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व तो किसने किया उपराष्ट्रपति जगदी, जगदीप धनखड़ ने तिरपनवे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया आई डबल एफ आई में किस एक्टर को, को इंडियन, किस एक्टर को इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया तो आंसर हो जाएगा चिरंजीवी गांधी मंडेला अवार्ड को हाल ही में किसे प्रदान किया गया है तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को नौवीं भारत यूरोपीय संघ विदेश नीति सुरक्षा परामर्श बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है तो ये किया गया नई दिल्ली में कजाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है कासिम जोमाट टोकायफ को भारत की पूर्णिमा देवी बर्मन को यू के किस सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड साहित्य के जेसीबी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया खालिद जावेद को स्टार्टअप इंडिया ने किस पोर्टल के लिए स्टार्टअप एप्लीकेशन लॉन्च किया है मार्ग पोर्टल मलेशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है अनवर इब्राहिम ने पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर को भारत के गणतंत्र दिवस समारोह 2023 में चीफ गेस्ट यानी मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अलसीसी को आमंत्रित किया गया है मुख्य अतिथि के रूप में समुद्र तटों की स्वच्छता के लिए कोस्टलाइन लाइन क्लीनेथॉन अभियान की शुरुआत किस राज्य में की गई है गोवा में भारतीय रिजर्व बैंक ने कब से रिटेल डिजिटल रुपए के लिए पहला पायलट लॉन्च करने की घोषणा की है एक दिसंबर 2022 यूपी की पहली महिला पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया लक्ष्मी सिंह को पुरुषों के विश्व कप फुटबॉल खेल में पहली महिला रेफरी कौन बनी स्टेफनी फ्राप्राट जो कि फ्रांस की रेफरी है उसके बाद देखिए आर ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत डिजिटल रुपया यानी ई रुपया पहले फेज में कितने शहर में लॉन्च किया तो आंसर होगा चार शहर भारत ने जी ट्वेंटी की प्रेसिडेंसी संभाली है भारत ने इसकी अध्यक्षता किस देश से ग्रहण की है इंडोनेशिया से हाल ही में नई चेतना अभियान किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है तो ये किया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा अमेरिका में हाल ही में द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है श्री श्री रविशंकर को भारत की प्रेसिडेंसी में जी ट्वेंटी की पहली शेरपा बैठक किस शहर में आयोजित की जा रही है तो आंसर होगा उदयपुर और भारत की प्रेसिडेंसी में जी ट्वेंटी की पहली शेरपा बैठक में भारत के जी ट्वेंटी शेरपा कौन है अमिताभ कांत ठीक है एफ आई एच हॉकी मैंस वर्ल्ड कप 2023 के ट्रॉफी टूर का शुभारंभ जो है वो किसके द्वारा किया गया है नवीन पटनायक के द्वारा हाल ही में आई द्वारा जारी ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है अड़तालीसवीं भारत के किस शहर में सिंगल कॉलम पर हाईवे फ्लाईओवर तथा मेट्रो रेल सेवा के साथ सबसे लंबे डबल डेकर ब्रिज की लिए जो ब्रिज ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है तो यह है नागपुर में वर्ष 2022 का ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में किस वर्ड को चुना गया है तो ये शब्द है गॉबलिन मोड नीति आयोग के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्स डेल्टा रैंकिंग में किस शहर ने टॉप पोजीशन हासिल की है केरल की ये शहर है वायनाड नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के स्टार वेटलिफ्टर लिफ्टर मीराबाई चानू ने हाल ही में वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 2022 में कौन सा मेडल जीता है तो आंसर हो जाएगा सिल्वर मेडल एस एस राजा मौली की फिल्म ट्रिपल आर ने हाल ही में बॉलीवुड हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन का कौन सा अवार्ड जीता है तो आंसर होगा स्पॉटलाइट अवार्ड ये याद रखिएगा एस एस राजा मौली की फिल्म है ये ट्रिपल आर पेरू की पहली महिला प्रेसिडेंट के रूप में किसने शपथ ली है डीना बोलुआटे ने 2022 टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया व्लोडीमिर जेलेंस्की और स्प्रिट ऑफ यूक्रेन यू पर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट को शुरू करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेट कौन बन गया है रेजर पे ओ के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं अरुण कुमार सिंह बंगाल की खाड़ी से उठने वाले साइक्लोन मैंडोस का नामांकरण जो है किस देश के द्वारा किया गया संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा भारत ने न्यूक्लियर पावर प्लांट के विस्तार के तहत कितने नए न्यूक्लियर पावर प्लांट को स्थापित करने की मंजूरी दी है तो आंसर होगा पाँच नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किसे टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया मेघना अहलावत को दुनिया की सौ सबसे शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स 2022 की सूची में टॉप पर कौन है उर्सुला वॉन डेर लेयन हाल ही में हिमाचल प्रदेश के पंद्रहवें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है सुखविंदर सिंह सुक्खू ने और गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है भूपेंद्र भाई पटेल ने पीएम मोदी ने मनोहर इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन कहाँ पर किया है मोपा जो कि गोवा में है किस देश ने हाल ही में अरब निर्मित पहला लूनर स्पेस लॉन्च किया संयुक्त अरब अमीरात कौन सी कंपनी घरेलू तकनीक से निर्मित लिथियम आयन सेल बेचने के लिए बी सर्टिफिकेशन हासिल करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है कंपनी का नाम है गोदी इंडिया ठीक है किस स्पेस एजेंसी ने दुनिया का पहला कमर्शियल लूनर लैंडर लॉन्च किया है आई ए स्पेस जो कि जापान का है संस्कृति मंत्रालय ने देश भर में कला संस्कृति तथा शिल्प के विकास के लिए कितने क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों की के स्थापना की है तो आंसर होगा सात देश के पर्यटन मंत्रालय ने चौबीस सात यानी ट्वेंटी फोर सेवन बहुभाषी पर्यटक सूचना हेल्पलाइन दस अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं सहित कितनी भाषाओं में स्थापित की है तो बारह भाषाओं में ठीक है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी डब्ल्यू के अगले चीफ साइंटिस्ट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है सर जेरेमी फर्रार को किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है गुजरात में कनाडा ने किस देश को हराकर अपना पहला डेविस कप जीता है ऑस्ट्रेलिया को किस देश ने हाल ही में नेक्स्ट जनरेशन के लिए दुनिया का पहला टोबैको लॉ पारित किया है तो आंसर होगा न्यूजीलैंड आठवां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023 किस शहर में आयोजित किया जाएगा आंसर होगा भोपाल हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला निकाय से बाहर कर दिया गया है ईरान को हाल ही में कौन सा एनर्जी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज बन गया है तो आंसर होगा इंडियन एनर्जी एक्सचेंज यानी आई लद्दाख में स्थापित भारत के पहले डार्क स्काई रिजर्व का नाम क्या है हनले डार्क स्काई रिजर्व ये भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व है ये भी ध्यान रखिएगा लद्दाख में स्थापित हुआ है यह उसके बाद देखिए हाल ही में किसने यूएन मुख्यालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया तो विदेश मंत्री हैं भारत के एस जयशंकर इन्होंने किया है भारत और कजाकिस्तान की सेनाओं ने कहाँ पर एक्सरसाइज काजिंद ट्वेंटी का आयोजन किया मेघालय में दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल ए, स्टेडियम में हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किसने किया केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने सातवें इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिति 2022 की थीम क्या है एक बड़ी बेसिन में छोटी नदियों का जीर्णोद्धार और संरक्षण फीफा वर्ल्ड कप 2022 का विजेता देश आपसे पूछा जा सकता है काफी इंपॉर्टेंट सवाल है इसमें तीन देश आपको याद रखने हैं कि इसके तीन क्रम कौन कौन से यानी पहले रनर रनर को रुनर अप कौन है दूसरा रनर अप कौन है तीसरा कौन है तो अर्जेंटीना रनर अप आप नहीं कर सकते फर्स्ट तो जो विजेता है वही होगा सेकेंड जो है वो रनर अप होता है तो देखिए विजेता अर्जेंटीना है इसने फ्रांस को हराया तो सेकेंड पोजिशन पर फ्रांस है और तीसरे नंबर पर क्रोएशिया है ये तीनों पोजिशन आपको याद रखनी है फीफा वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी ने गोल्डन बूट का अवार्ड जीता काइलियन एम्बाप्पे ने जीता जो कि फ़्रांस के हैं पेटा इंडिया के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 का जो अवार्ड है वो किसे दिया गया है अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा को कतर में आयोजित हुए फीफा वर्ल्ड कप 2022 में किस खिलाड़ी ने गोल्डन बॉल अवार्ड जीता है लियोनेल मेसी ने जो कि अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं हाल ही में किस भारतीय ने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता तो आंसर होगा सरगम कौशल ने ठीक है देखिए ये जो पेटा इंडिया है ना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है इसको भी ध्यान रखिएगा जिसका अवार्ड जो 2022 का ये सोनाक्षी सिन्हा को मिला है इसके बाद देखिए गति शक्ति विश्वविद्यालय का पहला चांसलर कौन नियुक्त हुए हैं अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जो है नियुक्त हुए हैं गति शक्ति विश्वविद्यालय के पहले चांसलर कतर में फाइनल मैच से पहले फीफा विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किस अभिनेत्री ने किया दीपिका पादुकोण ने भारत के किस शहर को भारत की जी ट्वेंटी की प्रेसिडेंसी के तहत यू ट्वेंटी साइकिल यानी यू ट्वेंटी साइकिल की मेजबानी के लिए चुना गया तो अहमदाबाद किस राज्य सरकार ने हाल ही में फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम शुरू किया है तमिलनाडु ने भारत का पहला गैस प्राइस इंडेक्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया है इंडियन गैस एक्सचेंज यानी आई के द्वारा हाल ही में लॉन्च हुए भारत के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड का नाम क्या है कल्याणी फेरेस्टा उसके बाद है गुजरात के किस वन्यजीव अभ्यारण को एशियाई शेरों के दूसरे संभावित निवास के रूप में पहचान की गई है वर्दा वन्यजीव अभ्यारण नई दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के नए अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्ति मिली है जस्टिस हेमंत गुप्ता को ब्लॉकबस्टर फिल्म आरआरआर यानी ट्रिपल आर के किस सॉन्ग को ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया तो सॉन्ग का नाम है नातू नातू उसके बाद देखिए किस एथलीट को राज्यसभा में उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामित किया गया है बहुत ही उम्दा और बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये पी टी इसका आंसर होगा भारत की किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट किया गया है ऑल दैट ब्रिथ्स इसके बाद है हाल ही में किस राज्य ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया है तो आंसर होगा असम भारत का पहला गोल्ड एटीएम और दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम किस शहर में लॉन्च किया गया है तो ये हैदराबाद में किया गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दिसंबर महीने का ये आईपीएल इतिहास में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं जिन्हें पंजाब किंग्स ने अठारह करोड़ रुपये में खरीदा तो आंसर होगा सैम करण हाल ही में नेपाल के नए पी के रूप में किसने शपथ ली पुष्प कमल दहल प्रचंड ने भारत की कौन सी संस्था ने सरकारी क्षेत्र में डेटा सिक्योरिटी काउंसिल के सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पद्धतियों का पुरस्कार जीता है आंसर होगा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जिसको हम लोग यू के नाम से जानते हैं यू ए डी जो कि आधार बनाता है आधार पंजीकरण करता है इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पर एक तारे का नामांकरण किया है अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन बने हैं तो अनिल कुमार लाहौटी बने हैं ये ध्यान रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है तीसवें एकलव्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है सिंह को हॉकी इंडिया ने एफ आई एच ओडिशा हॉकी मेन्स वर्ल्ड कप 2023 के लिए ऑफिशियल वेबरेज के रूप में किसके साथ पार्टनरशिप की लिम्का स्पोर्ट्स के साथ केंद्रीय खेल मंत्री ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का लोगो लॉन्च किया है इस गेम का आयोजन किस राज्य में होगा मध्य प्रदेश में इंडियन आर्मी के अगले इंजीनियर इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया को विमेंस चैंपियनशिप में पचहत्तर के जी वर्ग में गोल्ड मेडल किसने जीता है लवलीना बोरगोहेन पहले के आर गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है एलिडा गोयरा किस देश की हैं तो सम्मानित किया गया एलिडा ग्वेरा को और ये किस देश की निवासी हैं ये भी पूछा जा सकता है तो आंसर होगा क्यूबा नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के लिए भारत के किस प्लेयर को नॉमिनेशन मिला है अर्शदीप सिंह को नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली शीर्ष पच्चीस महिला खिलाड़ियों में साल दो में कौन भारतीय खिलाड़ी शामिल है तो एकमात्र खिलाड़ी है भारतीय खिलाड़ी जिनका नाम है पी सिंधु यहाँ पर आप करेक्ट कर लीजिएगा अगर आपने पी डाउनलोड की लिए तो वहाँ पर आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा पीवी सिंधु ठीक है पीवी सिंधु एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं जो इस 25 महिलाओं की सिर्फ 25 खिलाड़ियों में शामिल हैं फोर्ब्स की इस लिस्ट में ठीक है भारतीय महिला खिलाड़ियों में पच्चीस में से सिर्फ एक अकेली पी सिंधु हैं यहाँ पर और टॉप में अगर बात करें टॉप ट्वेंटी फाइव में नाओमी ओसाका का हैं उनको ध्यान रखना है तो यहाँ पर नाओमी ओसाका जो नाम लिखा हुआ है इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा ये नंबर वन पोजीशन पर है और पच्चीस खिलाड़ियों में एकमात्र भारतीय जो है वो है पीवी सिंधु इसको करेक्ट कर लीजिएगा ठीक है पी का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहाँ से आप मात्र पंद्रह रुपये में से पे करके जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें आपको ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे अगर आपका एग्जाम बहुत जल्द है तो आप इस वीडियो को देखें या पी को डाउनलोड करके देखें एग्जाम अगर आपका आने वाले समय में है कुछ दिन बाकी है तो आप वीडियो को रोजाना देखें बहुत फायदा मिलेगा आपको इस वीडियो से ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन आर्मी ने पहले थ्री प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किस शहर में किया अहमदाबाद में किया है हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र के शांति निर्माण का सदस्य बना है तो आंसर होगा नेपाल लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है महाराष्ट्र बना है भारत के सतहत्तरवें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने आदित्य मित्तल 2022 फीफा विश्व रैंकिंग में कौन सा देश पहले स्थान पर है तो आंसर हो जाएगा ब्राज़ील और प्यूमा इंडिया के ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है अनुष्का शर्मा को बनाया है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए संतोष कुमार यादव अगला सवाल है भारत की पहली मुस्लिम फाइटर पायलट कौन बनेंगी सानिया मिर्जा ये उत्तर प्रदेश की है हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया बद्री नारायण को पहली बार वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज की मेजबानी कौन सा देश करेगा भारत करेगा आईसीसी विमेन्स इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 में किन दो भारतीय खिलाड़ियों को नॉमिनेट किया गया है रेणुका सिंह और यास्तिका भाटिया को हाल ही में किसे अटल सम्मान अवार्ड से सम्मानित किया गया है तो आंसर होगा प्रभु चंद्र मिश्रा को तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने जनवरी से लेकर दिसंबर महीने के टॉप 600 हंड्रेड क्वेश्चन देखे अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा इस तरह की और वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा इस वीडियो का पी पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से आप इसको पी को डाउनलोड कर सकते हैं थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद